हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। क्या करना है आज हमने? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो है वो दाएं हाथ से, इस हाथ से आप लगती है इस साइड को, और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो बाएं हाथ से लगती है इस साइड को। इस साइड से जो लगेगी वो हम होगी बड़ी ई की मात्रा, और जो छोटे इस हाथ से लगेगी वो होगी छोटी ई की मात्रा। तो आज हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे और पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ई, ये क्या है? छोटी ई। जब इसके ऊपर यहाँ पे मात्रा लग जाती है तो वो क्या बन जाती है? बड़ी ई। तो इसको हम बोलते हैं ई, छोटी। इसकी आवाज़ क्या होती है? ई। और बड़ी ई की जो मात्रा होती है उस पर जोर लगा के बोलते हैं ई, और छोटी जो होती है ई उस पर ई। तो हम करेंगे इसको, अब मैंने यहाँ पे, और इसकी मात्रा कैसे लगती है? इसको हम लगाते हैं ऐसे और ऐसे, इस तरह से हम इसको लगाते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस क, ये क्या है? ई। क्या है ये? की। क्या है? ई। और यह है क। तो इनको जोड़ के बोलना है, अब क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। तो हम यहां पे लिखेंगे की। की। क्या बन गया? की। अब नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा र, छोटी ई की मात्रा, और र क्या बन गया? री। क्या बन गया? री। यहां पे लिखेंगे री, और ये लगती है आगे से। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखेंगे प। अब ये आपने जोड़ के बोलना है, मात्रा है छोटी ई की, और यह है प। तो क्या बन गया? पी। क्या बन गया? पी। यहां पे लिखेंगे पी। नेक्स्ट स, ई। क्या है ये? स, ई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे फिर क्या बन जाएगा? सी। तो यहां पे लिखेंगे सी। सी। नेक्स्ट प्लस ग, क्या बन गया? ग, ई, गी। यहां पे लिखेंगे गी। क्या बन गया ये? गी। नेक्स्ट ह, ह, ई, ही।
नेक्स्ट ई प्लस ड क्या बन गया डी। नेक्स्ट ई प्लस टी ट ई टी टी इस तरह से छोटी ई की मात्रा आपने पढ़नी है और करनी है। जो क्या होती है छोटी की मात्रा लगती है इस साइड से और बड़ी की मात्रा लगती है इस साइड से। तो आपने इसको जोड़ना है और पढ़ना है क ई की र ई री प ई पी स ई सी ग ई गी ह ई ही ड ई डी एंड ट ई टी। इस तरह से आपने छोटी की मात्रा लिखनी है और पढ़नी है। थैंक यू।